हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कोरल ड्रा। हम आज से कोरल ड्रा के लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोरल ड्रा के बारे में सीखना है तो आप हमारे सारे लेक्चर जरूर देखिए। आपको कोरल ड्रा के बारे में आप आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, कोरल ड्रा एक हमारा ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम सबसे पहले इसे कर रहे हैं ओपन। ओपन करने के लिए करना क्या, हमें स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है कोरेल ड्रा। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जैसे हमने कोरेल डाला तो यहाँ पे आ गया कोरेल ड्रा हमारा 12। हमारे पास ये कोरेल ड्रा 12 है, लेकिन और बहुत सारे लोग जो इसका और दूसरा वर्जन यूज करते हैं। जैसे हम यूज करते हैं कोरेल 12, तो हमने कर लिया इसे ओपन। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है कि हमारा ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर होता है। अगर जैसे आपको कोई डिजाइनिंग करनी है तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टूल्स होते हैं। जैसे हम फोटोशॉप में एडिटिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं बैनर वगैरह की, तो हम इसमें भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप चलाना नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम उसका भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको पेज मेकर के बारे में सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, हम उसके भी लेक्चर्स आपको दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार के कुछ विंडो खुलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू कोरल ड्रा 12 है। अगर आपके पास ये कोरल 12 का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो कोरल ड्रा होता है, ये हमारा एक ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, जिससे हम बहुत सारे लोगो बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम इसे कर लिया हमने ओपन, ओपन करने के बाद जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे सामने इस प्रकार की कुछ विंडो ओपन होगी। तो करेंगे क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले न्यू का कमांड है। हमें क्या करना है, न्यू, अगर हम इस पे कोई डिजाइन, नई डिजाइन क्रिएट करनी है तो क्या करना है, न्यू पे क्लिक कर देना है और हमारा जो होगा पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, हमने जैसे कोई चीज इसके पहले रिसेंटली यूज किया कोरेल को, हमने उसमें कोई लोगो वगैरह बनाया, कोई डिजाइनिंग किया है, तो हमें यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमने न्यू डिजाइन एक बनाई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी चीज और है कि यहाँ पे CDR जो होता है, .CDR, यहाँ पे हमारा कोरेल ड्रा का एक्सटेंशन होता है, यहाँ पे शो कर रहा है क्या होता है, .CDR। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कौन सा पहले न्यू डिजाइन जो हमारा शो कर रहा, न्यू डिजाइन .CDR, ये हमारी एक फाइल है कोरेल की जो हमने इसके पहले यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं BOB लोगो हमने जो कि यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक्स 1 CDR दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इन चीजों को पहले, इसके पहले यूज किया है, हमने इस पे बनाया है। अब अगर कई कोई नई फाइल हमें, मतलब पहले से और पहले से बनी बनाई सेव हो, उसे हमें ओपन करना हो तो हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और इसके नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं जिनका हम यूज बाद में करेंगे। चलिए, हम सबसे पहले हमें करना है क्या, हमें नई डिजाइन क्रिएट करनी है तो हमें न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने जैसे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कोरेल के विंडो के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, ये हमारा पेज होता है, ये हमारा है पेज। लेकिन अगर हमें काम करना होता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हमारा कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक का ये हमारा पेज होता है, और इसका साइज और बड़ा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। ये पेज हमारा बहुत बड़ा होता है, हमें जितना भी काम करना होता है, जितने पेज की जरूरत होती है, हम आसानी से इस पे काम कर सकते हैं। ये हमारा एक A4 साइज का दिया गया है कि हमारा जो है पेज, ये हमारा A4 साइज का है। अगर इसकी बॉर्डर कभी हमें हटानी हो तो हम आसानी से हटा सकते हैं। चलिए, हम उसको बताएंगे अभी कि कैसे हटाएंगे। चलिए, अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड में कुछ हमारे टूल्स है। जैसे ये हमारा पिक टूल है, ये हमारा शेप टूल है, ये हमारा जूम टूल है। उसके बाद ये हमारा फ्री हैंड है। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट ड्राइंग है। उसके बाद और रेक्टेंगल टूल, हमारा इलिप्स टूल, और बहुत सारी ये जो हमारे हैं टूल्स हैं, जैसे हमारे फोटोशॉप में होते हैं, पेज मेकर में होते हैं, वैसे हमारे कोरल ड्रा में भी होते हैं टूल्स। अब एक ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम पढ़ के नहीं याद कर सकते, मतलब पढ़ के नहीं सीख सकते। सीखेंगे कैसे, देखिए, इसको सीखने के लिए हमें इस पे प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर हम आपको बता देंगे कि ये टूल इस काम के लिए होता है, हो सकता है कि आप भूल जाए, है ना।
अगर आप इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप नहीं भूल पाएंगे, है ना। तो हम इसको आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि हम इस पे काम कैसे करते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके हमारे सारे वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको कोरेल अच्छे से सीखना है तो हम बेसिक से लेके एडवांस कोरेल ड्रा के बारे में बताएंगे, जिसमें हम एक एक टूल्स के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके हम एक टूल्स का कैसे यूज करेंगे हम आपको ये भी बताएंगे। चलिए हम ओपन करते हैं, हमें क्रिएट क्या करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे, हमें यहाँ पे एक HP का लोगो बना बनाया मिल रहा है। हम इस लोगो को कैसे क्रिएट कर सकते हैं कोरल ड्रा पे। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे हमारे कि एक यहाँ पे HP का लोगो क्रिएट हुआ है। हमें इसे जैसे क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो आइए करते हैं क्रिएट कोरल ड्रा पे ये लोगो कैसे होगा क्रिएट। देखिए अब क्या करना, हमें यहाँ पे ये जो बॉर्डर दिख रहा है ये बॉर्डर हमें अभी नहीं चाहिए, ये बॉर्डर हमें नहीं चाहिए तो हमें हटानी है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको मिल रहा है एक व्यू टैब, हमें करना है इस पे क्लिक। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये विंडो खुल जाएगी ड्रॉप डाउन इसकी, क्या करना है उसके बाद यहाँ पे हमें शो पे जाना है। शो पे जाने के बाद यहाँ पे पेज बॉर्डर का ऑप्शन हमें इस पे करना है क्लिक। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बॉर्डर हमारी थी ये हट चुकी है। अगर हमें ओपन करना है तो फिर से वहीं पे जाना है, उसके बाद सो, उसके बाद पेज बॉर्डर दे देंगे, हमारी बॉर्डर उसी तरह की फिर आ जाएगी। तो क्या करना, अभी हमें नहीं चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं इसे हटा रहे, पेज बॉर्डर नन कर दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें हमारा इस तरह का फॉर्मेट क्रिएट है। क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे, ये हमारा होता है रेक्टेंगल टूल। हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा होता है पिक टूल, जिस पे हमें करना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद इसे जहां पे हमें मूव करना है हम आसानी से इसे मूव करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हम इसे मूव कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है, हमें जाना है इंटरेक्टिव ब्लाइंड टूल के अंदर। हमें कहाँ पे जाना है, इंटरेक्टिव ब्लाइंड टूल के अंदर जाना है। इस पे क्या करना है, एक क्लिक करना है कॉर्नर पे रख के। हमें यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि राइट क्लिक नहीं करना। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारे सामने ये विंडो खुलेगी, ये ड्रॉप डाउन खुलेगी। हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, हमें इस पॉइंट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे इसके अंदर के जो टूल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे, है ना। ये हमने ओपन कर लिए वो इसके अंदर के टूल्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक इंटरेक्टिव इनवेलप टूल। हमें क्या करना है, इसका यूज करना है आज, कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद इस टूल पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी कि आपकी जो बॉर्डर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, ये किसी दूसरे कलर से थे, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, ये हल्के हमारे ट्रांसपेरेंट टाइप के हो गए। जैसे हम यहाँ पे बैक कर रहे हैं, चलिए जैसे हम यहाँ पे लगा रहे हैं पिक टूल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा पिक टूल पे है तो हमारे जो कॉर्नर है किस तरह के पॉइंट्स शो कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं इंटरेक्टिव इनवेलप टूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स थे वो चेंज हो गए ऑटोमेटिक। क्या करना है, टूल लगाने के बाद हमें करना क्या, सिंपली इस पे हमें करना है एक क्लिक। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मिडिल के इसके बीच वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स आ गए इसके बीच पे आ गए, 5 पॉइंट्स आ गए। क्या करना है, यहाँ से बीच वाले मिडिल वाले पॉइंट को पकड़ना और इसको हमें अंदर की ओर लेते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम हमारा इस साइड का फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है ना। हमने कर दिया इसे अंदर, ठीक है, हमारे ये हो गया क्रिएट। हमें क्या करना है, फिर से पिक टूल पे लगाना है और इसे सेट कर लेना जहां पे हमें सेट करना होगा, ठीक है। ये हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें इस पे एक डुप्लीकेट करना है। अब इसका हमें कॉपी करना है। अब देखिए यहाँ पे कॉपी करने के लिए क्या यूज होता है, यहाँ पे कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ प्लस, या इसी को डुप्लीकेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कंट्रोल के साथ डी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी हम इसे जैसे मूव करवा रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल सा एक है। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारा कॉपी हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हमें बैक करने के लिए, अगर हमने गलती से कभी इसे गलत कर दिया और बैक करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमें कॉपी नहीं चाहिए थी,
ठीक है, हमें बैक करना है एक स्टेप, तो क्या करेंगे यहाँ पे कंट्रोल के साथ हमारा जेड ही काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारी लेयर है अभी दो, ठीक है, हम और बैक कर रहे हैं, ये देख सकते हैं कि बैक कर दिया, अब हमारी एक लेयर यहाँ पे बची हुई है। ठीक है, अगर हमने गलती से इसे बैक कर दिया, हमें फिर से इसे वापस लाना है, तो यहाँ पे हमारा वाई कंट्रोल के साथ नहीं काम करता, मतलब कि कंट्रोल वाई नहीं काम करता, तो फिर कौन सा शॉर्टकट काम करता है? देखिए यहाँ पे शॉर्टकट काम करता है कंट्रोल शिफ्ट और जेड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और जेड, जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और जेड किया, यहाँ पे हमारा काम करेगा कंट्रोल शिफ्ट और जेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करने के लिए हमें करना है कंट्रोल प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक डुप्लीकेट हो गया। क्या करेंगे, एरो से राइट एरो हम प्रेस करे रहेंगे और इसको साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा होता है टूल बॉक्स, टूल बार एक प्रकार से, इसमें बहुत सारे हमारे टूल्स होते हैं। अब जैसे ये हमारा एक टूल बॉक्स होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको हमने आपको पहले ही बताया, इसमें बहुत सारे हमारे टूल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा, ये इस तरह का है, लेकिन ये इसके अपोजिट पे है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों तो सेम है ना, हमें क्या करना है, इसको इस साइड मोड़ना है। क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मोड़ने के लिए एक बहुत सिंपल सा हमारा टूल होता है, जिसे हम कहते हैं मिरर टूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो टूल बार होता है, इसमें हमारा एक यूज होता है मिरर बटन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक मिरर बटन है, एक ये मिरर बटन है। क्या करना हमें, ये जो मिरर बटन्स होते हैं ये क्या करता है, एक हमारा मिरर बटन ऊपर से नीचे की ओर, मतलब टॉप से बॉटम की ओर चेंज करता है, और एक करता है लेफ्ट से राइट की ओर चेंज। तो क्या करना हमें, ये ऊपर वाला मिरर बटन का यूज करना है। ये क्या करता है, हमारा राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हो रहा है। ये हम यूज करेंगे तो ये क्या करता है, ऊपर से नीचे और ऊपर से नीचे से ऊपर, मतलब टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप करता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे मिरर कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम उसी के हिसाब से शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा होता है टेक्स्ट टूल, जिसकी शॉर्टकट बताई जा रही है F8 होती है। क्या करना हमें, सिंपल सा F8 प्रेस कर देना है या टेक्स्ट टूल पे क्लिक कर देना है आके। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना हमें वहां पे क्लिक करना है, उसके बाद टेक्स्ट टाइप कर देना। जैसे यहाँ पे हमें टाइप करना है HP, यहाँ पे आप देख सकते हैं HP ही टाइप है। ठीक है, हमने HP टाइप कर दी, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पिक टूल का यूज करेंगे और इसके साइज को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसके साइज को भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इटैलिक है। ठीक है, अगर हमें ऐसे इटैलिक करना हो तो हम क्या करेंगे, इटैलिक कर देंगे, हमने कर दिया, ये हमारा इटैलिक होता है, बोल्ड होता है, अंडरलाइन होता है ना, हम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका केस क्या है, लोअर केस पे लिखा है। अगर आपको केस के बारे में नहीं पता तो आप हमारे MS वर्ड के लेक्चर जरूर देख लीजिए, जिसमें हमने आपको किसी एक लेक्चर पे केस के बारे में भी, केस कमांड के बारे में भी बताया है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम स्मॉल एच करे दे रहे हैं, लेकिन जैसे हम पिक टूल पे लगाते हैं कैपिटल एच हो जाता है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा सेंटेंस केस होता है, ये या तो कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है ना, दो केस पे होता है। ठीक है, अब हमें इसे लोअर केस में चेंज करना है, तो क्या करना है, हमें टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है टेक्स्ट का टैब, टेक्स्ट का जो टैब है हमें इस पे जाना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा चेंज केस का, चेंज केस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते कि हमारे सामने चेंज केस की विंडो ओपन हो गई। सबसे पहला हमारा सेंटेंस केस है, जिसपे ये हमारा लगा हुआ है, दूसरा होता है लोअर केस, लोअर केस हमें इसको कर देना है। लोअर केस करने के बाद क्या करेंगे, इसे हम ओपन कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट साइज जो था हमारा, फॉन्ट फैमिली एरियल ही है, लेकिन ये जो हमारे लेटर्स है सारे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एरियल बोल्ड यहाँ पे फॉन्ट यूज किया गया है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे एरियल बोल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे फॉन्ट फैमिली के लिए ऑप्शन है, होता है फॉन्ट लिस्ट है हमारी यहाँ पे, यहाँ से हम आसानी से चेंज कर सकते हैं जो आपको फॉन्ट चेंज करना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके फॉन्ट को और इंक्रीज करना आसानी से तुम कर सकते हो। उसके बाद जैसे हाइट विथ बढ़ानी है तो हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इटैलिक है ना, लेकिन यहाँ पे इटैलिक का आप देख सकते कि इटैलिक हमारा लॉक हो गया, यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा।
अब क्या करेंगे इस पे हम, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे टैलिक करने के लिए, करना क्या है, अपने कर्सर को बीच पे लाना है जहां पे कहीं पे कलर हो। जैसे हम यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं तो हमारा कर्सर इस तरह का बनना, हमें क्या करना है टेक्स्ट के ऊपर लाना, उसके बाद एक क्लिक यहाँ पे कर देने। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स थे ये ऑटोमेटिक चेंज हो गए। क्या करना है, हमें मिडिल वाले पॉइंट पे जाना है, उसके बाद इसे हल्का सा रोटेट कर देना, इटैलिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इटैलिक इसको कर दिया बड़े आसान तरीके से। क्या करना और करना है आपको तो और आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको इटैलिक कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों टेक्स्ट हमारे साथ में जा रहे हैं अब क्या करना है, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लाइन थी इसकी बहुत इंक्रीज कर दी गई, इसकी भी इंक्रीज कर दी गई। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कोरल पे, है ना। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे होगा ये भी, क्या करना है उसके बाद। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जैसे ये टेक्स्ट को ले जा रहे हैं कहीं, तो दोनों साथ में जा रहे हैं। हाँ, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साथ में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद करना क्या, हमें इन दोनों को आपस में ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए करेंगे क्या, अरेंज पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टूल दिया होगा जिसके शॉर्टकट होते कंट्रोल के साथ के, यहाँ पे दिया ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट। क्या दिया है, ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट। इसका हम यूज करते हैं जैसे हमारा कोई टेक्स्ट होता है उसको बीच से हम डिवाइड करने के लिए करते हैं। हम जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एच हमारा अलग हो गया, उसके बाद जो पी है वो अलग हो गया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, आपस में इनको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने दोनों को साथ कर दिया, फिर से कर दिया, अब क्या कर रहे हैं, फिर से हम वहीं पे अरेंज पे जा रहे हैं। ब्रेक आर्टिस्टिक, हमने क्या किया दोनों को आपस में अलग कर दिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा अलग हो गया। क्या करेंगे उसके बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा नेक्स्ट टूल जो है सेप टूल होता है, जिसके शॉर्टकट बताया जा रही है F10 होती है। अब इसका हम यूज किस लिए करेंगे, जैसे हमने इस पे किया क्लिक तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई पॉइंट्स नहीं आए, ठीक है। हमें फिर से पिक टूल पे क्लिक करना है। अब उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सबसे सेकंड नंबर पे मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व्स, इसे हमें क्या करना है कन्वर्ट टू कर्व्स कर देना है, जिसकी शॉर्टकट बताई जा रही कंट्रोल के साथ क्यों होती है। हमने कर दिया कन्वर्ट टू कर्व्स। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे शेप टूल लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते कुछ हमारे सामने पॉइंट्स आ गए, आ गए। क्या करना है नेक्स्ट, हमें ये पॉइंट पकड़ना और इसको ऊपर की ओर लिए जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसका पॉइंट ऊपर कर दिया, हमारा एच कुछ इस प्रकार का लगने लगा। क्या करना है नेक्स्ट, इसको हमें पकड़ना है और इसके बाद यहाँ पे इंक्रीज कर देना है इसे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एच हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से हम पिक टूल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना, हमें इस पे चेंजमेंट करनी है। क्या करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, इसे कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व, जिसकी शॉर्टकट होती है हमारे कंट्रोल के साथ क्यों। हमने जैसे प्रेस कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सेप टूल पे क्लिक करेंगे। अब क्या करना है, अब हम इसे इंक्रीज कर देंगे वैसे सेम जैसे हमने एच को कर दिया। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ये हमने कर दिया इसको इंक्रीज, यहां पे आप देख सकते हैं हमारा एच भी बन गया और पी भी बन गया सेम फॉर्मेट का। क्या करेंगे इसको, हम फिर ऑटोमेटिक हम इसको सेट कर देंगे। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं हमने कर दिया इसे सेट, हमारा ये लोगो कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है इस पे, आप देख सकते हैं हमारा ब्लू कलर है, हमें कलर करना है। कलर करने के लिए करेंगे क्या, पहले इन सभी ऑब्जेक्ट को हम करेंगे सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के लिए हम इसमें कैसे करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए करना क्या, हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक टूल है हमारा, पिक टूल पे हमें करना है क्लिक। उसके बाद क्या करेंगे, हमें माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करे रहेंगे और स्क्रॉल करते हुए हम सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, जैसे हम कहीं पे ले जा रहे हैं तो सभी साथ में हो गए हैं, हो गए। तो क्या करना है, अब हमें इस पे करना है कलर। अब हम इस पे कलर कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे यहाँ पे दिया कलर बॉक्स हमारा। हमें जैसे अब इसके बैकग्राउंड पे कलर करना होता है तो क्या करते हैं, माउस की राइट बटन को क्लिक करते हैं। अगर बॉर्डर पे कलर करना होता है तो हम इसकी माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका होता है कलर करने का कोरल ड्रॉ पे, आपको शायद ध्यान रहेगा जो हमने आपको बताया है। क्या करना है, एक बार राइट करना है, एक बार लेफ्ट करना है। हमने राइट कर दिया, एक बार लेफ्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कोरेल पे एक नया लोगो
क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचपी का लोगो हमने कर दिया इस पे क्रिएट, यह हमारा एचपी का लोगो हो गया क्रिएट कोरल ड्रा पे। अब क्या करना, हमें इसे सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करेंगे, अब सेव करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या है, यहाँ पे आप देखिए कोरल की फाइल जो होती है हमारी, अगर हमें सीडीआर पे सेव करनी कोरल के फॉर्मेट पे, क्या करेंगे कंट्रोल के साथ एस या कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हम यूज करते थे फोटोशॉप पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल टैब के अंदर जाना, उसके बाद सेव एज, और हमें सेव का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे इसको हमें जेपीजी में सेव करना होता है या पीएनजी में सेव करना होता है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कोरल पे, इसे हम करते हैं एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, हमें इस पे सिंपली कर देना है क्लिक। हमने कर, हमें डेस्कटॉप पे इसे सेव करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यह फाइल नेम हमारा क्या है, एचपी, हमने दे दिया इसे एचपी। उसके बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं इसका फॉर्मेट कौन सा, सेव एज टाइप जेपीजी फॉर्मेट है, बिट मैप है। क्या करना हमें यहाँ पे, अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना हो तो यहाँ से आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। नहीं चेंज करना क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ से कर देंगे ओके, यहाँ से भी करना ओके, और हमारा ये जो होगा लोगो ये हमारा हो चुका है सेव। जैसे हम इसे कर रहे हैं मिनिमाइज, इसे भी कर रहे हैं मिनिमाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह हमारा लोगो आ चुका है, ये हमारा लोगो आ चुका है। लेकिन आपको लोगो किस तरह का दिख रहा, बहुत गंदा दिख रहा है ना, चलिए हम इसे कर रहे हैं क्लोज। ये लोगो हमारा ज्यादा अच्छा है, क्या करना है हमें ऐसा ही सेम लोगो सेव करना है। क्या करेंगे इसको, हम यहां से करेंगे फिर से हम जाएंगे अपने कोरल की फाइल पे। क्या करना है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल टूल मिल रहा, हमें क्या करना है यहाँ पे रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर देना, पेज की बॉर्डर को हमें दे देना। अब पेज की बॉर्डर देने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे रेक्टेंगल की शॉर्टकट होती है F6, क्या करना है या तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते कि बॉर्डर आ चुकी है। क्या करना है, इसके साइज को हमें पिक टूल पे लगा के इंक्रीज कर देना है, इसके विथ को इंक्रीज कर देना, हाइट को कर देना है, और ऑटोमेटिक इसे हमें फिर से सेव कर देना वैसे ही फॉर्मेट पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कर दिया, लेकिन हमें क्या करना, ऊपर जाना, तो हम यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। अब देखिए कोरल पे ये जो हमारा लोगो है, इसको फुल स्क्रीन पे देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एक शॉर्टकट होती है F4। अगर आप ये थोड़ा सा भी वीडियो हमारा मिस करेंगे, स्किप करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें आप मिस कर देंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप ये हमारे वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। क्या करेंगे यहाँ पे फंक्शन की F4 प्रेस करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जैसे प्रेस किया यहाँ पे ये फुल स्क्रीन हो चुका है। क्या करना है, उसके बाद हम इसे करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फाइल टैब पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। क्या करेंगे यहाँ पे एचपी हम यहाँ पे दे देंगे, चलिए एचपी हम यहाँ पे 1 दे रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे एक्सपोर्ट, यहाँ पे कर देंगे ओके, यहाँ पे भी कर देंगे ओके, और हमारी फाइल हो गई सेव। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमारी नई फाइल आ चुकी है कोरल की, पे आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल सेव हो चुकी है, यह हमारी ओरिजिनल फाइल आ चुकी है सेव होके। क्या करना अब हमें, हमें ऐसे सेम आपको क्रिएट करना। आप हमारे इस वीडियो को देखिए और आप ऐसा लोगो सेम जरूर क्रिएट करिए, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए, अगर आपको ये लोगो क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको टैली प्राइम के बारे में सीखना है या एमएस एक्सेल के बारे में सीखना है, तो हमने उसके भी लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं अपने प्लेलिस्ट पे, आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करना। हम फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय।